इंदौर में रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे से पीड़ित परिवारों से मिलने शनिवार को पूर्व सीएम कमलनाथ इंदौर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों का दुख दर्द बांटा। इलाके के लोगों ने एक सुर से कहा, हमें मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर की घंटी बजते ही हमें दिवंगत परिवार जनों की याद सताएगी। कमलनाथ ने सबकी बात धीरज के साथ सुनी और कहा, अगर 7 दिन के अंदर मंदिर के अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो कोर्ट जाएंगे। वहीं उधर युवा कांग्रेस ने सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अब इंदौर हादसे में 36 मौतों के बाद एक्शन तेज हो, इसमें 2 अधिकारी सस्पेंड के साथ। बहरहाल हादसे के बाद से घटना स्थल पर राजनेताओं के आने का सिलसिला जारी है। स्थानीय विधायक आकाश विजयवर्गीय रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त वहां मौजूद थे। शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह भी यहां आए थे और अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना था। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और अन्य नेता भी यहां पहुंच चुके हैं। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है, अवैध निर्माण के नोटिस दिए गए, लोगों ने मुझे अभी कहा अवैध निर्माण के नोटिस दबा दिए गए राजनीतिक दबाव से। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने कि इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए, और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या क्या परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात गई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे, हर ज़िले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुँच जाए। या हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुँची, कोई प्रबंध नहीं, और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। शर्म की बात है ये। प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे क्यों इसलिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे। देखिए, ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं, अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, 2 लाख बोल दे और मामला खत्म, और मुआवजा दे दो, मुआवजा से सब कुछ साफ। इस मामले में बात की थी आपने शिवराज जी से? मेरी बात नहीं हुई शिवराज जी। मैं कलेक्टर ने अपने रिपोर्ट में कहा है सबका अंदर रात्रि नाव के हिसाब से सहायता की, जो रेस्क्यू किया है। ये आम जनता, आम जनता गवाह है, मेरे को कहने की बात नहीं है, जो जनता ने मुझे कहा है मैं वो बात कह रहा हूँ। कोई बड़े अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।